Hello and welcome to Sessions on Amadeus with Travel Academy. My name is Gaurav Gira. And before I start this video, हम लोग आपसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहेंगे कि बहुत टाइम के लिए हम लोग वीडियो नहीं बना पाए. बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, COVID-19 एंड देन देयर वर सम अदर इश्यूज, बट देन नो एक्सक्यूजेस. वी आर रियली सॉरी फॉर दैट एंड विल मेक श्योर कि आगे से आपके पास रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी. आई हैव सीन योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट दैट यू हैव बीन प्रोवाइडिंग अस. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ये हमारा एमडीएस का सेशन है जिसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट बेबी बैसिनेट. सो हमने लास्ट वीडियो जो करी थी वो व्हीलचेयर पे करी थी, और मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन बेबी बैसिनेट. सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं बेबी बैसिनेट होता क्या है. सो आई विल शो यू बेबी बैसिनेट ऑन दिस. सो अगर आप देखोगे इस पिक्चर के अंदर, सो यहाँ पर जहाँ पर सीट्स लगी होती हैं उसके आगे अगर एक वॉल है, तो उस वॉल पे एयरलाइंस एक बेबी बैसिनेट या बेबी कॉट लगा देती है. मतलब इसके अंदर हम जो इन्फेंट्स होते हैं, जो 0 से 2 साल के बच्चे होते हैं, उनको हम यहाँ पर बिठा सकते हैं. सो कुछ इस तरीके का लगता है ये. जब भी बैठते हैं यहाँ पर तो इतने खुश नहीं होते हैं ये, बट देन इन्होंने फोटोग्राफ इस तरीके से दिखा रखी है. देन इफ़ यू सी लुक एट दिस, दिस इज़ द बेबी कॉट, दिस इज़ द बेबी बैसिनेट दैट यू हैव. आई विल शो यू अनदर वन. या लुक एट दिस, ये कुछ ज़्यादा बड़ा बेबी है, बट ये जनरली एयरलाइन की जो फ्लाइट होती है उसकी फर्स्ट रो में होता है. मतलब अगर आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट क्लास के लिए है, फिर बिजनेस क्लास के लिए है, फिर इकोनॉमी क्लास के लिए है. तो जैसे ही आपकी क्लास शुरू होती है, अंदर एंट्री लेते ही शुरू के अंदर ही जो फर्स्ट रो होती है वहाँ पर आपको ये वॉल मिलती है जहाँ पर बेबी कॉट्स लगे होते हैं. तो जनरली एयरलाइन के पास ये लिमिटेड होते हैं. कुछ एयरलाइंस 6 देती हैं, कुछ 9 देती हैं. सो अगर आपने उस दौरान जब तक वो बुक नहीं हुआ है तब तक इसको बुक कर लिया तो आपको ये बेबी कॉट मिलता है, नहीं तो आपको वो बच्चा जो है वो अपनी गोदी में लेके जाना पड़ता है. सो यू हैव टू पुट दिस बेबी ऑन योर लैप. और अगर वो बेबी बहुत मोटा हुआ तो फिर भगवान बचाए हमको. सो कमिंग बैक टू एमडीएस, सो दिस इज़ रियली अ स्क्रीन दैट आई लव टू वॉच. एंड काफ़ी सारे और भी कलर्स आते हैं इसके अंदर, लेकिन ये बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है टू मी. नाउ इफ़ यू सी दिस, मैंने एक PNR बनाया है यहाँ पर, एग्जैक्टली नॉट PNR, बट मैंने यहाँ पर एक आइटिनरी उठाई है. अगर आप देख सकते हैं तो लंदन हीथरो से FCO जो है वो रोम है, राइट. रोम जो है वो इटली में आता है, और ये दोनों के दोनों हमारे पास सिटीज़ जो है वो यूरोप की हैं. फ्लाइट जो मैंने उठाई है वो है एलिटालिया AZ-201. और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एक इन्फेंट इसमें ऐड किया हुआ है. सो देर इज़ एन अडल्ट, ये रहा अडल्ट, और ये जो है ये है हमारे पास एक इन्फेंट. ये टेस्ट ट्यूब, मतलब ट्यूब इज़ द फर्स्ट नेम, टेस्ट इज़ द लास्ट नेम, और इन्फेंट जो है हमारा उसका नाम है बेबी. सो इस बेसिकली फ्लाइट को हमें इस फ्लाइट के अंदर हमें इस बेबी को बैसिनेट देना है. So let's start this process. So what you need to do is you need to enter this command which is SR, right? It is same as we used in bassinet. So agar aapko yaad hai to jo bhi SSRs hote hain wo requests hoti hain jo hum airlines ko dete hain. So hum airline ko jo request de rahe hain usme aa raha hai SR, matlab hamari request hai special service ki passenger ko BSCT, baby bassinet provide ki jaye. अब बेबी बैसिनेट जो है वो किसको प्रोवाइड करनी है? हमारे पास है एक पैसेंजर 1 और एक है पैसेंजर 2. हमें उसको देना है पैसेंजर 2 को. सो बेबी बैसिनेट मिलेगी उस एडल्ट को जिसके साथ जो है वो बेबी है. सो अगर आप देखोगे वो P2 है, पैसेंजर 2. सो P2 इज वेयर वी वांट टू पुट इट. नाउ उसके बाद अगर आप देखोगे हमारी आइटिनरी जो है वो सेगमेंट 3 में है. कई बार क्या होता है कि आपको उस बच्चे को बैसिनेट प्रोवाइड करना है सिर्फ जाते वक्त, आते वक्त नहीं करना है. वैसे 90% केसेस के अंदर तो दोनों साइड चाहिए होता है,
बट पैसेंजर्स की काफ़ी चॉइसेस होती है, कई बार वो जाते वक्त लेके जाना चाहते हैं, कई बार वो आते वक्त लेके आना चाहते हैं। सो इफ़ दे हैव अ स्पेसिफिक चॉइस तो आप स्लैश सेगमेंट भी डाल सकते हैं। एस लेट्स से यहाँ पर है 3, सो आपने S3 डाला एंड देन यू प्रेस एंटर। नाउ व्हेन यू डू दैट यू विल सी कि एयरलाइन की तरफ से एक कमांड आ गई, एक रिक्वेस्ट जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि SSR BSCT मतलब बैसिनेट AZ इज द एयरलाइन, और उन्होंने ये बोला है कि NN का मतलब है कि पेंडिंग या रिक्वेस्ट। अगर कभी भी आपको NN मिले तो इसका मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग है। सो बेसिकली अगर आपके पास NN आता है या HN आता है, इसका मतलब है कि एयरलाइन ने आपकी रिक्वेस्ट को ना ही कंफर्म किया है और ना ही अनकंफर्म किया है। अगर वो इसकी जगह पर HK कर देता या KK कर देता तो मतलब वो कंफर्म हो जाता है, और अगर वो इसकी जगह पर NO कर देता, UN कर देता, UC कर देता तो इस केस के अंदर वो जो है अनकन्फर्म है। सो बेसिकली एयरलाइंस जो है उसका रिप्लाई उसी टाइम कर देती है। अभी मैंने इसका PNR नहीं बनाया है तो हो सकता है शायद इसीलिए इसने अभी पेंडिंग में रखा हुआ है। जैसे ही हम इसका PNR बनाएंगे तो ये हमको बता देगा कि ये एक्सेप्ट कर ली है रिक्वेस्ट या रिजेक्ट कर दी है, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी ऐड बेबी बैसिनेट इन अ PNR। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन दिस। नाउ इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कॉमेंट्स एंड आई विल गेट बैक यू विद द सॉल्यूशंस। नाउ If you have watched this video till now, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई, और ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के अंदर, क्योंकि हमारी जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी नहीं है और ये वो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम सबको आती है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।